हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी टू लर्निंग। माइसेल देवेंद्र कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा, वेलकम बैक टू अ वेरी गुड लेक्चर अगेन, राइट? एन इंटरेस्टिंग सिंपल टॉपिक जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। बेटा, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको एक सवाल अर्न करके देगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। एंड आप ये कह सकते हो कि इट इज मोर और लेस एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो आपको बहुत जगह इस चैप्टर बेटा फोर्स 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 सुनाई देगा। तो अगर आपको बहुत अच्छे से फोर्स आता है, NLM आता है, आपका ग्रिप है लेक्चर पे, राइट, चैप्टर पे, तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं है तो प्लीज बेटा, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द एंटायर प्लेलिस्ट, जिसके अंदर मैंने 6 वीडियो लेक्चर डाले हैं सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि एकदम नीचे से लेकर के ऊपर तक की सारी चीजें कवर की हैं। तो आप एक बार उसे देख लेना, अगर आपको लगता है कि हां, मेरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थोड़ा कमजोर है। अगर बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड, यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर, ठीक है बेटा। और मैं बिना ज्यादा टाइम लिए बेटा आई विल स्टार्ट विद द लेक्चर विद सिंपल वन नोट। एक बात मैं बोलूंगा बेटा कि प्रॉपर क्लास नोट्स बनाना है बेटा, राइट? और अगर बने हुए हैं पहले से तो उन्हें अपग्रेड करना है। जहां मैं क्वेश्चंस दूंगा, वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, चेक करना है, सही है, खुद को अप्रिशिएट करना है, गलत है तो बेटा मिस्टेक को हाईलाइट करना है और फिर लेक्चर को आगे बढ़ाना है। मतलब बिल्कुल मेरे साथ क्लास की तरह चलना बेटा, ताकि ये पूरा का पूरा ना प्रॉपर क्लास की तरह चले, तब मजा आएगा आपको भी और मुझको, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर के साथ, वर्क पावर एनर्जी के बेसिक्स, राइट? तो बेटा लेट स्टार्ट विद द लेक्चर, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज वर्क, वर्क होता क्या है। तो बेटा बस इतना समझो कि जब कभी किसी बॉडी पे, बॉडी मतलब बेटा लेट से हम इस बॉडी की बात कर रहे हैं, जब कभी किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाई जाए, ठीक है, देखो कितनी फोर्स लगाई बेटा हमने, एफ फोर्स लगाई, और उस फोर्स की वजह से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए। बेटा देखो, ये एंगल भले ही थीटा है, पर यहां पे ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी ना, अगर इसको ऐसे खींच रहे हो तो। बोले यस सर। तो कुल मिलाकर के इस बॉडी पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे इस फोर्स ने इस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट किया और उसकी वजह से इसको इस पे कुछ वर्क करना पड़ा। मतलब वर्क इज डन बाय अ फोर्स व्हेन इट डिस्प्लेसेस अ बॉडी। जब एक फोर्स एक बॉडी को डिस्प्लेस करती है तो वो उस पे कुछ वर्क करती है। अब बोलो कि सर ये तो थ्योरेटिकल बात हुई ना, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो बेटा मैथमेटिकली लिखने के लिए देखो बहुत बेसिक सी चीज है कि इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं बेटा एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं बेसिकली लिखता हूं कि जो W है बेटा, इस W को हम सीधे सीधे क्या लिख रहे हैं, F डॉट S वेक्टर। और ये डेफिनेशन बेटा आप 9th क्लास में पढ़ करके आए ऑलरेडी, आई थिंक 9th और 10th आपने पढ़ा है, राइट, फाउंडेशंस के अंदर, क्लियर? तो अभी तक मैंने बस ये बताया, करेक्ट, मैंने बस ये बताया कि वर्क को आप F डॉट S लिख सकते हो। वर्क कब कहते हो, जब कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस करती है, करेक्ट। और इसके अलावा एक चीज और हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इसी को बेटा हम और क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, करेक्ट बेटा। यानी कि अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको आप लिख सकते हो एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो ये जो एफ कॉस थीटा है ना बेटा, ये एफ कॉस थीटा एक्चुअल में इस फोर्स का इसके अलोंग कॉम्पोनेंट है। देखो एफ है ना, जब थीटा के अलोंग कॉम्पोनेंट लोगे तो कितना आएगा, बोले सर एफ कॉस थीटा आएगा। मैंने कहा यस, इफेक्टिवली बेटा देखो यहां पे मैंने एक लाइन भी ऐड की है, लाइन ऑफ एक्शन के क्या होना चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होना चाहिए, करेक्ट। मतलब वो फोर्स का कॉम्पोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है वो ही फोर्स करता है। जो कॉम्पोनेंट उसके परपेंडिकुलर है बेटा, ये कितना वर्क करता है, ये जीरो वर्क करता है, ये जीरो करता है। आप वैसे भी देख सकते हो डॉट प्रोडक्ट बेटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90। तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो। अंडरस्टूड? तो इस पूरी स्लाइड में मैंने बस इतना बताया है कि एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, और वो जो वर्क होगा वो फोर्स के उस कॉम्पोनेंट की वजह से होगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, अलोंग है, जो उसके परपेंडिकुलर में है उसका वर्क नहीं होगा, जीरो होगा। और मैथमेटिकली इसको आप एफ डॉट एस भी बोल सकते हो, एफ एस कॉस थीटा भी बोल सकते हो। ये बस इंट्रो पार्ट था, एकदम बेसिक इंट्रो पार्ट। अब मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क के बारे में जितना हमें पता होना चाहिए मैं उसको प्रॉपरली एक स्लाइड में समराइज करूंगा, राइट बेटा? तो ये आई डोंट थिंक आपको जरूरत है, अगर जरूरत है तो यू कैन कॉपी इट डाउन और एल्स कैन मूव विद द लेक्चर, राइट? वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो इफ यू वांट। चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा थोड़े काम की चीजें, तो पहले एक बार सुनना उसके बाद बेटा एक साथ लिखना, राइट? तो जहां तक वर्क की अगर बात करते हैं, देखो बेटा सबसे पहली चीज वर्क की, अगर ऐसे यूनिट की बात करूं, वी ऑलरेडी नो है ना, ये क्या होती है बेटा, जूल। जूल के अलावा आप और क्या लिख सकते हो बेटा, न्यूटन मीटर रख सकते हो। जहां तक डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे बेटा, M1 L2 T-2, यानी ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेटिव है, ये हमें पता है,
ठीक। इसके अलावा कभी कभी बेटा अर्ग भी यूज होती है, बिकॉज जूल किस में होती है, एम के एस में, तो सीजीएस में क्या होती है, अर्ग। तो आप लिख सकते हो बेटा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग। आई होप दिस यू ऑलरेडी नो। बोले ठीक है सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा जो दूसरी चीज है वो ये कि वर्क का जो फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा था एफ डॉट एस, उसमें एक छोटा सा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है बेटा कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब तक काम करेगा जब हमारे पास फोर्स कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट। यानी फोर्स कांस्टेंट है तो मैं एफ डॉट एस लगा सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास फोर्स वेरिएबल हो गई तो बेटा फिर मुझे लिखना पड़ेगा इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। यानी कि बेटा यहीं पे इसके आधे क्वेश्चन डिफरेंशिएट हो जाते हैं और वहीं पर ज्यादातर बच्चा कंफ्यूज होता है। इफेक्टिवली उसे पता ही नहीं चलता कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना पड़े ब्रेन में कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट एस लगाऊंगा और अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस लगाऊंगा। बोले ठीक है सर, ये हम कर लेंगे। मैं खुद अभी आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दूंगा, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर चलता ही न्यूमेरिकल्स पे है, ठीक है। तो मुश्किल से मुश्किल मुझे लग रहा है 5-10 मिनट्स की इसकी थ्योरी है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। चल इसके बाद बेटा एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए, है ना, आराम से सुनना, वो ये कि बेटा ये जो एफ डॉट डी एस का इंटीग्रल है, अगर आपने इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर अटेंड किया हो तो वहां पे क्लियरली बताया गया है कि दिस एरिया, दिस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस इज एक्चुअली द एरिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्रफल रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो वर्क है वो इफेक्टिवली, अगर मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई ग्राफ है, करेक्ट, तो उस ग्राफ का जो एरिया आएगा बेटा, करेक्ट, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, उसी को हम वर्क की तरह डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट बेटा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेटा डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस ही बात है ये कैसा होगा बेटा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट, स्केलर है बट स्टिल इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू। तो अभी तक बेटा देखो मैंने क्या क्या बताया, हल्का सा समराइज कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आसान सा बेसिक सा चीज़ है कि इसकी यूनिट्स वगैरह क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए एफ डॉट एस यूज करना है, जबकि वेरिएबल के लिए इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस यूज करना है। इसके साथ साथ स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। अरे ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा हमने एक और छोटा सा पॉइंट देखा कि अगर कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा विद साइन, वो आपको क्या दे देगा, वो आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करके देगा। बेटा प्लीज ये जो 5-6 पॉइंट्स है ना, इन्हें प्रॉपरली कॉपी कर लो। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही आसान हमें आता है, बट मैं आपको बता रहा हूं मैंने पूरी थ्योरी को इतने ही 2-3 स्लाइड्स में कंसाइज किया गया, राइट, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा एनर्जी न्यूमेरिकल्स के अंदर जाए, ठीक है। बट एक जगह लिखना तो पड़ेगा ही बेटा, आपको थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसको कॉपी करो, इसे कॉपी करने के बाद, ठीक है, फिर हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बढ़ाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू हैव कॉपीड, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। वीडियो पॉज करके कर लेना बेटा अगर नहीं किया तो। देखो इसके बाद बेटा अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था कि जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी कभी दिमाग में आ जाता है, अच्छा स्केलर है तो उसका मतलब क्या सिर्फ पॉजिटिव होगा, नहीं, मैंने लिखा था इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। आप पूछ सकते हो सर कब क्या होगा, मैं बता देता हूं फटाफट से, कोई बड़ी बात नहीं है, ढंग से सुनना। हम जब वर्क की बात करते हैं बेटा तो आप ध्यान से सुनना, पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव तब होता है बेटा जब थीटा हमारा लेस देन और इक्वल टू कितना हो, 90। इक्वालिटी बल्कि रखना ही नहीं चाहिए हमें, हमें यहां पे सीधा सीधा लिखना चाहिए कि जब थीटा जीरो से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा, करेक्ट, उन दैट पर्टिकुलर केस हमको जो वर्क मिलेगा बेटा वो पॉजिटिव मिलेगा। बोले सर कैसे, मैं समझा दूं, आप ऐसे समझ लो कि एक ब्लॉक है, डिस्प्लेसमेंट बेटा आगे की तरफ है और फोर्स इस तरफ है, ये वाला केस। बोले ठीक है सर। इसी तरह से बेटा अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव होगा, कब नेगेटिव होगा बेटा, जब ये थीटा 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा या बराबर होगा। अच्छा यहां इक्वालिटी लगा सकते हो आप, ठीक है। अब देखो ऐसा पर्टिकुलर केस का मतलब है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो लेकिन जो फोर्स लगे वो यहां कहीं लगे, यानी कि बेटा जो थीटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। बोले ठीक है सर, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पार्ट बेटा है ना कि जीरो कब होगा, तो बेटा जीरो तब होगा जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री।
अंडरस्टूड, यानी कि जो फोर्स होनी चाहिए बेटा, जो फोर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। आप बोलोगे सर कुछ कुछ एग्जांपल ले सकते हैं क्या, मैं बोलूंगा यस बेटा बिल्कुल ले सकते हैं। देखो कितने कॉमन एग्जांपल्स हैं, आपने ये एग्जांपल ऑलमोस्ट हर बुक में देखा होगा कि एक कोई कुली है और वो क्या कर रहा है बेटा, कुछ लगेज को कैरी कर रहा है, ठीक है, उसके पास एम मास का एक लगेज है और वो उसे कैरी कर रहा है। तो जब लगेज को कैरी करेगा तो बेटा आगे की तरफ क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो mg लगेगा बेटा, वेट ऑफ दिस लगेज, वो कहां लगेगा, नीचे। तो आप देखो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, बोले सर 90 हुआ, इसका मतलब वर्क डन जीरो हुआ क्या, मैंने कहा यस। यानी कि ये जो mg है, है ना, कई बार बच्चे ऐसे बोलते थे कि सर इसका मतलब क्या कुली कोई वर्क नहीं करेगा, नो ये जो mg है, जो ब्लॉक का वेट है, उसने कुछ भी वर्क नहीं किया, यू अंडरस्टूड। लेकिन जब कुली आगे बढ़ता है तो फ्रिक्शन वगैरह तो लगता ही है ना बेटा, उसकी वजह से वर्क जनरेट होता है, करेक्ट। तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे उसको कुल मिला के, राइट। तो देखो यहां से ये बात समझ आ गया कि mg का वर्क डन इस केस में जीरो है, बोले यस सर। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत ही छोटा सा। आप देखो आपने कभी देखा होगा बेटा सेंट्रिपिटल फोर्स वगैरह के बारे में सुना होगा, सर्कुलर मोशन के बारे में सुना होगा, करेक्ट, ऐसा कुछ। तो आप ऐसे सोचो कि अगर हमारे पास बेटा, है ना, अगर हमारे पास लेट से कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे मूव करता है इन अ सर्कल, राइट, तो हमें पता है कि बेटा सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा कहां लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर, और ये हमेशा वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जिधर वेलोसिटी होगी बेटा उधर ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रिपिटल फोर्स दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। यानी फिर से बेटा यहां पे थीटा कितना आ गया, 90, फिर से बेटा वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो, करेक्ट। आपको कोई बोलता है कि एक पत्थर रस्सी से बांधो और घुमाना शुरू कर दो, बताओ टेंशन कितना वर्क करेगा, अरे टेंशन हमेशा कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट कहां होता है, टेंजेंट के अलोंग। तो दोनों अगर देखोगे, टुवर्ड्स द सेंटर वाली लाइन और टेंजेंट, भाई ऐसे घुमा रहे ना, तो देखो ध्यान से, ये लग रही है स्ट्रिंग की टेंशन, यहां जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर, फिर से वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उन सारे केसेस के अंदर बेटा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द नेचर ऑफ द वर्क डन, ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा, बोले यस सर बिल्कुल बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है ना। इसे प्लीज कॉपी कर लेना, है ना, चाहो तो शॉर्टली कॉपी कर लेना जैसे आपको ठीक लगे, राइट। तो अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, है ना, अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, कुछ एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, राइट, एक क्वेश्चन लूंगा, आप सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, मतलब मैं कंटिन्यूअसली सॉल्व करूंगा, बट आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करोगे, राइट, देन ओनली विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। चलो देखो बेटा मैंने क्या किया, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन लिया कि आपको एक फोर्स दे रखी है 5i cap + 3j cap, और हमने क्या किया, किसी एक पार्टिकल पे इसको अप्लाई किया, इसके साथ साथ बेटा हमें देखो क्या दे रखा है, r भी दे रखा है, ठीक है, कि r वेक्टर जो है वो 2i cap - 1tj cap जो भी दे रखा है, यानी कि आपको f दे रखा है और आपको r दे रखा है, और आपसे ये बोला गया कि टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल हमें बताना है कि कितना होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑफकोर्स, ठीक है। तो बेटा जब वर्क डन बताना है, और ये चार पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, चार पॉसिबल एग्जांपल्स हैं, तो हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, आपको क्या क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है। इन दोनों को यूज करते हुए मैं यहां डेटा लिख देता हूं आपके लिए, फोर्स कितना है बेटा 5i cap + 3j cap, बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 2i cap - j cap, इन दोनों को यूज करते हुए बेटा आपको क्या निकालना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। बेटा मुझे नहीं लग रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इवन पेन भी उठाने की जरूरत है, आप थ्योरेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आई गिव यू 10 seconds, लिखने की जरूरत नहीं है, खुद से आंसर निकाल के दो फटाफट से, बट ये आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान रखना है, राइट, फटाफट से 10 seconds जो है, वीडियो पॉज करने की भी जरूरत नहीं है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मुझे लग रहा है सबका आंसर आ चुका होगा, बोला कि यस सर आ गया। अरे भाई मुझे क्या चाहिए था, वर्क, वर्क का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट, अरे डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई को आई से और जे को जे से, 5 × 10 - 3, तो इफेक्टिवली बेटा हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, बोले सर 7 joules आंसर निकल के आ जाएगा, 7। अब देखो बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर, आई होप बेटा सबका आंसर सही होगा, इसमें गलत होने का गुंजाइश ही नहीं, यू अंडरस्टूड द पॉइंट। पर इसी क्वेश्चन को मुझे थोड़ा अच्छा बनाना है, मान लो थोड़ा अच्छा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा लेंदी बनाना है, बढ़िया सवाल बनाना है, तो मैं फोर्स तो यही दे दूंगा, मैं आपको सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट नहीं दूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई जो पार्टिकल है पी वो क्या करता है, 0.0.1 से 1.2.3 तक डिस्प्लेस होता है,
करेक्ट, यहां से यहां तक। अब आप वर्क डन बताओ। तो बेटा ऐसे केसेस में आप ध्यान से देखो, 1-0 आई कैप आपको क्या मिल जाएगा, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, 2-0 जे कैप वाई एक्सिस का, 3-1 के कैप जेड एक्सिस का। तो यहां से आप आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करके डेल्टा आर निकालोगे या एस वेक्टर निकालोगे। मेरा कहने का मतलब है बेटा, अब की बार डिस्प्लेसमेंट को आप लिखोगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और बेटा इससे आप वैल्यूज निकालोगे। ये आपका हो जाएगा इफेक्टिवली, अगर ध्यान से देखोगे आर फाइनल, ये आपका क्या हो जाएगा आर इनिशियल, समझ रहे हो? यानी आर फाइनल बोल सकते हो आई कैप, 2J कैप, 3K कैप, आर इनिशियल 0I कैप, 0J कैप एंड 1K कैप। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा देखो, इस तरह के दो ही सवाल बन सकते हैं, या तो F और R दोनों देके डॉट प्रोडक्ट, या फिर F एंड इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट से करके इस तरह से। तो जब ऐसा कुछ दे रखा हो तो डिस्प्लेसमेंट को R फाइनल माइनस R इनिशियल लिख लेना। बेटा देखो, अपनी लैंग्वेज में ये पॉइंट जरूर लिख लेना प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? बोले यस सर, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो बेटा, अब ना वर्क का एक्चुअल क्लास स्टार्ट हो रहा है। बताओ आपको, अब हम कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं जो जनरली आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में दिखाई देते हैं, ठीक है? तो थोड़ा ढंग से समझना, है ना, बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ, ठीक? देखो आपको क्या बोला गया है कि एक ब्लॉक दे रखा है ना, इस ब्लॉक का मास कितना मान लेते हैं बेटा, स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है? इसको एक वेज पे रख दिया गया है, वेज का हाइट कितना है एच, वेज का लेंथ कितना है एल, और आपको ही बोला गया कि ब्लॉक ऊपर से स्लाइड करके कहां तक आता है, नीचे तक। मतलब ये ब्लॉक यहां से स्लाइड करते करते कहीं यहां तक पहुंच जाएगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है बेटा, वर्क बताना है डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का, ठीक है? कौन कौन सी फोर्सेस का? देखो, वर्क डन बाय एमजी, यानी कि एक तो आपको एमजी का वर्क बताना है बेटा, ठीक है? किसका? एमजी का। अरे भाई ये रहा। दूसरा बेटा आपको बताना है नॉर्मल का, और तीसरा आपको बताना है फ्रिक्शन का। तो ये तीन फोर्सेस है जिनका वर्क डन निकालना है। इसके अलावा बेटा जो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा होगा वो म्यू दे रखा है, ठीक? बोले यस सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है आपको पहले से पता है, बट जितने क्वेश्चन हम करेंगे जहां पे फोर्स कॉन्स्टेंट होगी उसमें हम यही लगाएंगे, और आप देखना एक एक मिनट में आंसर निकाल के देंगे, काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन का भी, ठीक है? तो अब थोड़ा सा अपने ब्रेन को ना, थोड़ा अपनी अपनी एनर्जी को वापस लेके आ जाओ बेटा, नाउ इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देखो मैं ये लिखने जा रहा हूं कि जो वर्क है उसको आपने लिखा एफ एस कॉस थीटा, मैं इसको लिखने जा रहा हूं एफ इंटू एस कॉस थीटा, इसको मैं लिखने जा रहा हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कुल मिलाकर के मैंने क्या कहा कि जब कभी भी मुझे वर्क डन का रिक्वायरमेंट है तो वर्क डन को मैं अब की बार ये डॉट प्रोडक्ट वाली कहानी तो छोड़ दूंगा, और मैं सीधे सीधे हमेशा क्या लिखूंगा कि इट इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन यहां पे ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो फोर्स है बेटा वो कैसी है, वो कांस्टेंट है। ये वेरिएबल फोर्स के लिए काम नहीं करता है, कांस्टेंट फोर्स के लिए आप हमेशा लिख सकते हो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपके सवाल को ना बेटा आधे टाइम में खत्म कर देगा। क्या बात समझ आती है? बोले सर ये बात समझ आती है पर इसका एप्लीकेशन का कोई आइडिया नहीं है। मैंने कहा अब आप देखते जाओ मजा, अब आपको बिल्कुल एकदम क्वेश्चन ना बिल्कुल आराम आराम से हो जाएंगे। देखो ये हमारे पास ब्लॉक वगैरह दे रखा था, ठीक है? और हमें क्या निकालना था बेटा, हमें निकालना था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मैं सबसे पहले ना फोर्सेस को शो कर देता हूं। तो मैंने कहा बेटा यहां पर अगर देखूंगा तो यहां नॉर्मल लगेगा, इसके अलावा बेटा वर्टिकली डाउन बात करूं तो क्या लगेगा, एमजी लगेगा, और इसके साथ साथ बेटा अगर इसकी टेंडेंसी इधर आने की है, भाई ये इधर आना चाह रहा है ना, तो ये इधर आना चाह रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन कहां लगेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहां से दिखा देता हूं, यानी कि इधर कहीं फ्रिक्शन लगेगा, ठीक? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा नॉर्मल फोर्स की। तो बेटा अगर वर्क डन बाय नॉर्मल चाहिए तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे बताओगे, इनफैक्ट आप फट से बोलोगे सर इसका आंसर तो जीरो होना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ये है। भाई ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और वही फोर्स जो दे रखी है वो इससे 90 डिग्री पे दे रखी है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, जीरो। कोई दिक्कत, कॉस 90, ऐसे भी याद रख सकते हो। सेकेंड बेटा हम बात करते हैं एमजी की। अब ध्यान से सुनना, mg की अगर बात करूं तो mg इज अ कांस्टेंट फोर्स और नॉट? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स इट्स अ कांस्टेंट फोर्स, ये तो कांस्टेंट फोर्स ही है। मैंने बोला ठीक, यानी mg कांस्टेंट है? बोले हाँ सर। इसके अलावा हमें ये दे रखा है कि ये यहां से जब यहां आता है तो ये वर्टिकली h डिस्टेंस से चलता है, वर्टिकली।
तो क्या मैं ये बोलूं कि भाई अभी अभी मैंने कहा था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स कहां लग रहा है? वर्टिकली डाउन. वर्टिकली डाउन कितना डिस्प्लेसमेंट है? एच. यानी कि मैं यहां से उठा के सीधा सीधा क्या बोल सकता हूं? एम जी इंटू एच. यानी कि मुझे कॉम्पोनेंट्स वगैरह थीटा वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है. मैं सीधे बोलूंगा कांस्टेंट फोर्स के लिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये एक बहुत मैजिकल रिलेशन है बेटा. इसकी आपको वैल्यू अभी नहीं समझ आ रही, बट जब जैसे जैसे क्वेश्चन अच्छे होते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी. ठीक है, बोले ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद बेटा बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन. ध्यान से सुनना. तो बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर चाहिए तो ध्यान से सुनो बेटा, ये जो फ्रिक्शन है स्लाइड कर रहा है मतलब मैक्सिमम है. मतलब ये फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? बोले सर म्यू एम जी लग जाएगा. और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये कितना है? एस है. कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर? बोले कोई दिक्कत नहीं है सर. अब बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर. ये कहाँ लग रहा है? नीचे. और ये सिर्फ म्यू एम जी नहीं लग रहा है, ये म्यू एम जी के साथ साथ बेटा म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा है. आप बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्यों, आपने अभी तो म्यू एम जी लिख दिया था. मैंने कहा बेटा वो तो भावनाओं में लिख दिया था. देखो एक्चुअल में क्या है बेटा, ये एम जी का कॉम्पोनेंट इधर आएगा ना, तो एम जी का जो ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा राइट, दिस कॉम्पोनेंट जो कि नॉर्मल को काउंटर करेगा बेटा, ये होगा एम जी कॉस थीटा. अब देखो ना थीटा एंगल ये है, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा, तो थीटा की तरफ जाओगे तो क्या आएगा? कॉस आएगा. इसलिए हमने लिखा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस. बेटा एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा का मतलब क्या आएगा? एल आएगा. यानी इफेक्टिवली बेटा ये फॉर्मूला निकल के आएगा म्यू एम जी इंटू एल. अंडरस्टूड? तो बेटा इनमें से ना आप देखो ये तीनों ही जो आंसर्स हैं इन्हें याद कर लो, है ना. मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट ये बार 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 यूज होंगे. तो वर्क डन बाय नॉर्मल अगर देखोगे तो जीरो आएगा, वर्क डन बाय एमजी देखोगे तो एमजी इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? एमजी इनटू एच. और फ्रिक्शन में ऐसे याद रखो कि म्यू एमजी तो फ्रिक्शन होती है मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मतलब म्यू एमजी मल्टीप्लाइड बाय कितना? एल. कोई बात समझ आती है बेटा? बोले यस सर. और साइन को ध्यान रखना, एमजी नीचे एच नीचे पॉजिटिव, लेकिन फ्रिक्शन ऊपर डिस्प्लेसमेंट इधर नेगेटिव. इसलिए बेटा यहां पे एक चीज और क्या लगा देंगे? नेगेटिव साइन लगा देंगे. आई होप बेटा दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू राइट. तो यहां पे बेटा एक नेगेटिव, यहां पे बेटा एक नेगेटिव राइट. अब देखो उसको कैसे जनरलाइज करके याद रखना है ना, अच्छे से समझना. आप ऐसे सोचो कि बेटा यहां तो हमने फिर भी थोड़ा सा जो सिस्टम बनाया था है ना, वो एक प्रॉपर वेज जैसा बनाया था. अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास बेटा ऐसा आर्बिट्रेरी शेप का भी वेज है ना, बिल्कुल कोई भी रेंडम शेप का भी वेज है, तो बेटा इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी अगर किसी ब्लॉक को आप धीरे धीरे स्लाइड करके नीचे तक लाओगे, ये एल है और ये एच है, तो बेटा इस पर्टिकुलर केस के लिए भी आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि जो भी बेटा वर्क डन बाय एम जी होगा दैट विल बी हाउ मच? mg into h, करेक्ट. और इसी के साथ साथ बेटा जो वर्क डन बाय mg के अलावा अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछता है तो ये कितना आएगा? माइनस म्यू mg into कितना बेटा? l. और वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑफ कोर्स कितना? जीरो. तो आई होप बेटा ये पूरा पार्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, और इसको बेटा एज इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में काफी काम आएगा. ठीक है, तो बेटा विद दिस हम इस एग्जांपल को रैप अप करते हैं. आप प्लीज इसको नोट बना के लिख लेना, और कुछ लिखो ना मेरे को, ये तीन पॉइंट जरूर ध्यान रखना, ये आगे काम आएंगे बेटा बिल्कुल चैप्टर के एंड तक. बोले ठीक है सर, नहीं बोलेंगे, 100% नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा ब्रीद इन कर लो अब, है ना, काफी देर से कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, थोड़ा ब्रीद इन करो, थोड़ा पानी वानी पियो और फिर उसके बाद अगले पार्ट पे चलना. ठीक है, अब हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे राइट, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा खुद से. ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड. ये आ गया बेटा अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आई पर्सनली कंसीडर इट एज अ गुड क्वेश्चन. तो ध्यान से सुनना है. इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला गया बेटा, कि हमारे पास एक ये बॉल है, देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक कोई बॉल है एम मास की. आपने क्या किया, इस पे कोई एक कांस्टेंट फोर्स लगाई. ठीक है, ये जो फोर्स दिखाई दे रहा है बेटा ये कैसी है? कांस्टेंट. मतलब ये यहां पर देखोगे तब भी इधर ही लग रही थी, और बिल्कुल एंड पे देखोगे तो भी इधर ही लग रही थी, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड है. अब इसको आपने कांस्टेंट फोर्स लगा के धीरे 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 यहां तक लेकर के चले गए. कितने एंगल तक? थीटा एंगल तक. आपको ये बताना है कि बेटा इस प्रोसेस में देखो mg टेंशन, नॉर्मल तो कुछ नहीं होगा, mg टेंशन और कैपिटल F, इन तीनों का क्या बताना बेटा? वर्क डन बताना है, कि mg कितना वर्क करेगा, कैपिटल F कितना वर्क करेगा और टेंशन कितना वर्क करेगा. ठीक है, तीनों को निकालते हैं एक एक करके. अब देखो कितनी आराम से कर देंगे हम इसको.
सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा प्रॉपरली सिस्टमैटिकली, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या बना? कैपिटल एफ, एम जी का बना नीचे और टेंशन का बना ऊपर, ठीक बेटा? टेंशन हर इंस्टेंट पे, देखो ध्यान से देखो, यहां पे भी देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, टेंशन का है यहां पे 90 डिग्री, यानी कि अगर मुझे वर्क डन बाय टेंशन पूछेगा तो बिना सोचे कितना आंसर दूंगा? 0, करेक्ट? इनफैक्ट कोई भी स्ट्रिंग से अगर कभी कुछ बांध के घुमाओगे, ऊपर नीचे लेके जाओगे, तो बेटा टेंशन का वर्क क्या लिख देना है? सीधे 0। बोले ठीक है सर, वर्क डन बाय एमजी, बोले ये तो हलवा है एकदम। देखो एमजी का वर्क डन कितना आसान है, एमजी कॉन्स्टेंट यानी mg into displacement, कौन सा displacement? फोर्स की डायरेक्शन में displacement, यानी यहां पे मुझे लिखना चाहिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय displacement इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब दिमाग से सुनना, आपको पता है ना, ध्यान से सुनना कि ये अपने पास कितना है L, कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा, देखो ये पूरा का पूरा कितना है, ये भी L है, तो ये पूरा का पूरा बेटा यहां से लेके यहां तक भी अपने पास कितना है L। बोले ठीक सर, इसके अलावा बेटा यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो देखो कितना है L cos theta। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि L और theta के पास जाते हैं तो क्या आता है? cos। तो effectively फिर तो ये जो height है, ये जो difference है बेटा, है ना, यहां से जबकि जब यहां तक गया तो vertically कितना ऊपर गया? ये h के बराबर गया। और बेटा ये जो mg into displacement करेंगे, displacement in the direction of force, force vertical में, तो displacement भी vertical का, और वो कितना है? h है। यानी कि effectively मैं यहां से लिख सकता हूं into h। आप जब इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो mg कहां लग रहा है? नीचे। displacement vertical का है? ऊपर। दोनों opposite direction में, इसलिए यहां माइनस लगेगा। इसको एक स्टेप और आगर के लेके जाना है तो माइनस mg into h की जगह लिख सकते हो l माइनस l cos थीटा। यहां से यहां तक का पूरा l, यहां से यहां तक का कितना? l cos थीटा। तो बचा हुआ हाइट कितना आ जाएगा बेटा? बहुत ही आसान है, l माइनस l cos थीटा। बेटा दिस इज हाउ यू विल गेट द वर्क डन ऑफ mg। तो अपने को mg का भी वर्क या कार्य निकल के आ जाएगा। इसके साथ साथ बेटा हमें यह भी बोला है कि भाई आप तो कैपिटल f का वर्क भी बताओ। हमने कहा ठीक है, कैपिटल f का वर्क भी बता देंगे, क्या दिक्कत है? ध्यान से देखो, कैपिटल f का जब वर्क डन निकाला है, यहां लिख देता हूं, है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैपिटल एफ कहां लग रहा है? बोले सर हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। तो देखो यहां दिखाई दे रहा है, कहां लग रहा है? हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में। तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां का? हॉरिजॉन्टल का। बेटा हॉरिजॉन्टल में क्या यहां से यहां तक चलेगा? जब ये ऐसे गया तो हॉरिजॉन्टल में तो इतना ही चला ना, और ये कितना है? एल से अवे जा रहे हैं, यानी ये आएगा एल साइन थीटा, यानी कि यहां पे लिख देंगे एफ इंटू एल इंटू साइन थीटा। फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इसलिए क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो बेटा यहां से वर्क डन किसका निकल के आ गया? कैपिटल एफ का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इट्स अ वेरी गुड न्यूमेरिकल, राइट? अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको लगा होगा कहीं ना कहीं चैलेंज आया होगा, करेक्ट? तो इसको करने का तरीका आसान है, अगर आपने एक्सप्रेशन यूज किया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर बेटा। तो मैं बोल रहा हूं इसको अच्छे से समझ लो, है ना, प्रॉपरली कॉपी में जॉट डाउन कर लो, कुछ सीखने को मिला, कुछ नया लगा तो उसको कॉपी कर लो, और बेटा उसके बाद ही अगले पार्ट पे चलना है, ठीक है? डोंट बी इन हरी, आराम आराम से करना है, ठीक? तो टेक योर टाइम, ब्रीद इन, पानी पियो, अच्छे से कॉपी करो और फिर अगले पार्ट पे चलो बेटा, ठीक है? लेट्स मूव। ओके, देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, है ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है। एक यूनिफॉर्म चेन दे रखी है, ऑफ लेंथ कितना है बेटा? एल, है ना, चेन का लेंथ कितना है अपने पास? एल। और मास कितना है देखो? कैपिटल एम। और ये क्या करा है? एक टेबल पे रखी हुई है, ठीक है? कहां पर रखी हुई बेटा? एक टेबल पे रखी हुई है, यानी कि इफेक्टिवली अगर हम देखें, मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए ताकि आप क्वेश्चन ट्राई कर पाओ। वन सेकेंड, देखो ये हमारे पास कोई एक टेबल मान लेते हैं बेटा, है ना, ये कोई एक टेबल है, ठीक है? और हमें ये बोला गया है कि एक एम मास और एल लेंथ की जो चेन है वो इस टेबल पे रखी हुई है, ठीक है? एंड वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन, यानी कि इस तरह से रखी हुई है बेटा कि इसका वन थर्ड पोर्शन, ठीक है, कितना? वन थर्ड, यानी कि अगर इसकी टोटल लेंथ एल है तो उसका वन बाय थर्ड पोर्शन क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है बेटा तो ये लेंथ कितनी आएगी? एल बाय थ्री। और इसके अलावा कोई पूछेगा तो बची हुई लेंथ बेटा ऑब्वियस सी बात है कितनी आ जाएगी? टू एल बाय थ्री। समझे बात को? बोले ठीक है सर।
मास की भी अगर बात करें तो बेटा ये कितना आएगा m बाय थ्री क्योंकि 1 बाय थर्ड है, और बेटा ये मास कितना आएगा, बोले सर ये तो 2m बाय थ्री आएगा क्योंकि ये तो 2 बाय थर्ड है। मैंने कहा गुड बेटा, तो ये अभी दे रखा है अपने को, क्वेश्चन को बस प्लॉट कर रहे हैं बेटा, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब बोला गया है इफ जी एक्सलेशन दे रखा है और ये बिल्कुल एज के ऊपर है फलाना डैम का जो भी है। अब आपको बोला गया है कि ड्यू टू ग्रेविटी द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग कार्ड ऑन टू द टेबल, यानी आपको क्या बताना है बेटा, आपको ये बताना है कि ये जो हैंगिंग पार्ट है, ये जो हैंगिंग पार्ट है इसे अगर मैं उठा करके टेबल पे रख दूं तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा वो मुझे बताना है, ठीक है। अब आप इसको अपने लेवल पे ट्राई कर लो, है ना। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने के लिए एक से ज्यादा मिनट चाहिए, पर आप एक डेढ़ दो मिनट ले लो, वीडियो पॉज करो और इसको कर लो सॉल्व, उसके बाद सोल्यूशन देखना बेटा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। बेटा देखो इसे उठा के ऊपर रखना है, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी यूनिफॉर्म बॉडी हो आप सारा मास कहां मान सकते हो बेटा, सेंटर ऑफ मास पे, इतना रफ आइडिया आपको होना चाहिए। आप सोचो ना यूनिफॉर्म चेन है एक जैसी है, तो सारा मास कहां मान लो, सेंटर पे मान लो, यानी कि सेंटर पे अगर मैं मानूंगा तो ये इफेक्टिवली एल बाय सिक्स हो जाएगा। बोले यस सर 100%। अब आपको इसको उठा के यहां से यहां तक लेकर के जाना है, पूरा का पूरा मास बेटा कहां पर है, पूरा का पूरा मास यहां पर रखा हुआ है। क्या इतनी बात समझ आती है? बोले यस सर 100% समझ आती है। तो अब आप खुद देखो बेटा, जब भी मुझे वर्क डन चाहिए तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन हमें करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी से कहां खींच रहे हैं, नीचे, तो हमें उतनी ही फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी ताकि हम इसको बैलेंस कर पाए, करेक्ट। तो हमारा वर्क डन जो होगा, देखो जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ये चेन उठ करके कहां जा रही है, ये चेन उठ करके इवेंचुअली यहां पर आ जाएगी, करेक्ट। तो जब ये चेन उठ करके बेटा यहां पर आएगी तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर mg नीचे, यानी ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क, है ना, उसके अगेंस्ट करना है। इसलिए तो हम पॉजिटिव वर्क करेंगे बेटा, ठीक। वर्क डन फोर्स हमारे पास कितना है बेटा, mg बाय सिक्स, नॉट बाय सिक्स, mg बाय थ्री। बोले सर mg बाय थ्री क्यों, क्योंकि बेटा मास तो कितना है, पूरा का पूरा मास m बाय थ्री तो था, देखो ये लिखा हुआ है हमने, तो ये टोटल कितना वेट हो जाएगा, mg बाय थ्री, और बेटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। देखो mg नीचे, ठीक है, इसको अपोज करने के लिए उतनी ही फोर्स ऊपर, करेक्ट, और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी इसी वर्टिकल प्लेन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना, एल बाय सिक्स, क्योंकि सारा मास कहां मान रहे हैं, सेंटर पे, तो यानी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा एल बाय सिक्स, समझे बात को। तो इफेक्टिवली बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा एम जी एल बाय 18। डू यू गेट द पॉइंट बेटा, यानी कि टोटल आंसर कितना गया, एम जी एल बाय 18, करेक्ट। आई होप आपका आंसर सही होगा। मैं एक बार समराइज कर देता हूं उसके सोल्यूशन को, आप बस ऐसे समझो, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी मैं यहां लिख देता हूं, वर्क डन बाय mg में आप सीधे सीधे लिखते mg बाय 3, यानी कि जितना भी फोर्स लग रहा है बेटा, देखो ना 1 बाय थर्ड पे कितना लगेगा, mg बाय 3 लगेगा, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, सॉरी फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कितना, सेंटर ऑफ मास को उठा के यहां से यहां तक लेकर के जाना है, यानी कितना चलाना पड़ेगा, एल बाय सिक्स चलाना पड़ेगा, तो इनटू एल बाय सिक्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर mg नीचे, तो ये क्या आया, नेगेटिव। ये आ गया बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी, हमें जो वर्क करना है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट करना है। ये पूछा आपको कितना वर्क करना पड़ेगा इसको उठा के रखने के लिए, तो भाई ग्रेविटी का जितना वर्क है उसका एग्जैक्टली उल्टा आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है। इसलिए देखो हमारा वर्क डन कितना रहा बेटा, प्लस mg बाय 3 इनटू l बाय 6 आ रहा है, समझ गए बात को। तो mg लगेगी नीचे, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर उसे उठाने के लिए, इसलिए आपका फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, इसलिए आपका वर्क डन पॉजिटिव आया, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आया, हमसे ये वाला पूछा था इसलिए हम आंसर mg l बाय 18 दे रहे हैं। अगर ग्रेविटी का पूछते तो माइनस mg l बाय 18 देंगे, करेक्ट। सारा मास कहां मान सकते हो, सेंटर पे, बस उसका डिस्प्लेसमेंट देंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू। अगर ये समझ आ गया बेटा, आप कॉपी करना चाहते हैं तो प्लीज कॉपी डाउन द सॉल्यूशन एंड देन बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, वो आपका सही होना चाहिए। आई होप ये भी सही रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी लेके, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, आराम से, ठीक है, ओके बेटा। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए ना वो कॉन्स्टेंट फोर्स के थे, तो हमने सीधे सीधे या तो एफ डॉट एस, या हमने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा वेरिएबल फोर्स। आप मुझे बताओ कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए।
आपके दिमाग में फट से घंटियां बजने लगेंगी कि सर ऐसे केस में तो हम लोगों को इंटीग्रल एफ डॉट डी एस यूज करना था। मैंने कहा यस एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, हम वही यूज करेंगे। आप देखो ना, आराम से देखो हमें करना है क्या है भाई, वर्क डन निकालना था ठीक। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये फोर्स दे रखी है 7 - 2x + 2x के ऊपर, दिख रहा है x है, जहां x जैसा कुछ है, मतलब ऑफ कोर्स कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि x बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, मतलब वेरिएबल फोर्स है। बोले हाँ सर 100% वेरिएबल है। कह रहा है ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 2 kg, वो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है देखो यहां पे ठीक। इसके साथ साथ बताना है कि जब 0 से 5 तक लेके जाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा। मैंने कहा 10 तरह की ये कोई क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान है, एक बार में कर देंगे। तो पहले आप कर लो, आंसर निकाल लो, चेक करो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है और उसके बाद सोल्यूशन देखना ठीक है। मैं सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं। बोले ठीक है सर। वर्क डन होता है बेटा इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, डी एस की जगह डी एक्स लिख देता हूं, क्यों? क्योंकि आपके पास फोर्स और एक्स की बात कर रहा हूं। अच्छा एफ भी देखो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स की टर्म में, ये भी हमारा x के टर्म में, तो इसलिए f डॉट dx को आप चाहो तो f इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0 कर सकते हो, कोई लोड नहीं है इसका। बोले ठीक है सर। फोर्स का वैल्यू रख रहा हूं 7 - 2x + 3x² ठीक है, 3x² राइट। इसके साथ साथ क्या बेटा dx और cos 0 कितना है 1। बेटा देखो यहां पे लिमिट लगानी पड़ती है ना इंटीग्रेशन में कि कहां से कहां तक, तो आप खुद देखो 0 से 5 तक लेके जाना है तो लिमिट कहां से आएगी बेटा 0 to 5। आई होप बेटा आप इसको बहुत इजीली इंटीग्रेट कर लोगे। अब आप चाहो तो मैं कर देता हूं 7x - x² क्योंकि 2x² / 2 / 2 कट जाएगा प्लस 3x³/3 इसमें भी 3 और 3 कट जाएगा करेक्ट, और ये बेटा 0 से लेके कहां तक 5 तक राइट। तो आई होप बेटा यू विल गेट दी आंसर फॉर दिस। अभी से आप सॉल्व करके निकाल लेना और फिर मैच कर लेना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्या आपका भी वही ऑप्शन आया था कि नहीं ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जब फोर्स वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएक्स यूज करना है ठीक। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। एक लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूं वेरिएबल फोर्स का, फिर मैं इस लेक्चर को रैप अप कर दूंगा क्योंकि बेसिक्स में बस इतना ही है, फिर हम अगली क्लास से प्रॉपरली वर्क पर एनर्जी को एक ना थोड़े से अच्छे लेवल पर लेकर के चले जाएंगे ठीक। चलो तो बेटा देखो लास्ट जो एग्जांपल है ना वो बहुत ही कन्वेंशनल सा क्वेश्चन है। आपको बोला कैलकुलेट वर्क डन इन इलोंगेटिंग स्प्रिंग ठीक है, इलोंगेटिंग स्प्रिंग बाय x सेंटीमीटर फ्रॉम नेचुरल लेंथ। मतलब ये कि क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई एक स्प्रिंग होगी बेटा, है ना, कोई एक स्प्रिंग होगी और इनिशियली ये कहां पर है बेटा, ये x = 0 पर है मतलब नेचुरल लेंथ पे। अब आपने क्या किया, इस पर कोई फोर्स लगाया, उसको खींचना शुरू किया करेक्ट। तो जब खींचना शुरू किया तो मुझे बताना है कि जब इसको आपने बाय अमाउंट एक्स खींच दिया तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा करेक्ट, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पार्ट में। अच्छा वर्क डन किसका पूछा है बेटा, एक्सटर्नल का भी पूछ सकता है, स्प्रिंग का भी पूछ सकता है, हम पहले स्प्रिंग का निकाल देते हैं ठीक। बोले ठीक है सर नो प्रॉब्लम कर दो। ध्यान से सुनना, इसमें ना 2-3 छोटी छोटी चीजें और काम की चीजें, ध्यान से सुनना। स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट के मानते हैं ठीक, हमने कहा वर्क डन निकालना था ठीक है, वर्क डन राइट बेटा, ये ऑप्शन नहीं देखने अपने को, ये अपने किसी काम के नहीं, ये वैल्यूज दे दूंगा मैं आपको, एक्चुअली मैंने आपको अभी वैल्यू दूंगा तो फिर आप उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे तो एक ऑप्शन मैच करेगा, तो अभी उसको छोड़ देना। तो हम कह रहे हैं कि के स्प्रिंग कांस्टेंट है, वर्क डन की हम बात कर रहे हैं। तो वर्क डन बेटा अगर हम देखेंगे तो वर्क डन हमारे पास कितना आता है, वर्क डन का फॉर्मूला था भाई एफ डॉट डी एक्स या एफ डॉट डी एस ठीक। अगर यहां पर स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो जब आपने इसको खींचा कुछ फोर्स लगा के खींचा होगा तो बेटा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में के एक्स फोर्स लगता है। बोले यस सर, यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो जो डी एक्स है वो आगे है और स्प्रिंग फोर्स पीछे है। मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना चाह रहा हूं अभी ठीक। तो यहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग के लिए मुझे स्प्रिंग फोर्स का यूज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत बेटा? बोले नो सर कोई दिक्कत नहीं है ठीक। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू लिखता हूं बेटा कितना, के एक्स, इसके साथ साथ क्या लिखता हूं डी एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है, और देखो डी एक्स आगे के एक्स पीछे, एंगल कितना 180, यानी यहां पे कितना आएगा बेटा कॉस 180। आप चाहो तो सीधे माइनस भी लिख सकते हो, और बेटा लिमिट कहां से कहां तक, 0 से x तक। तो जब इसमें आप लिखोगे बेटा कॉस 180 क्या होता है -1 और ये कितना आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा -1/2 kx² अंडरस्टूड, -1/2 kx² और बेटा ये हमारे दिमाग में फिट भी होना चाहिए, यानी कि जब भी वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करोगे तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग विल कम आउट टू बी -1/2 kx² अगर उसे आप 0 से लेकर के x तक इलोंगेट करते हो। क्या मेरी बात समझ आती है, 0 से x तक इलोंगेट करते हो तो -1/2 kx² आता है करेक्ट।
बोले हाँ सर 100% करेक्ट। अगर कोई बोलता कि भाई मेरे पास जो इलोंगेटेड स्प्रिंग है उसको मैं एक्स से जीरो लाना चाहता हूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा? तो जब आप इसको बेटा यहां से यहां लेकर के आओगे, करेक्ट, तो देखो स्प्रिंग फोर्स तो तब भी कहां लगेगा, इस तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ। ये क्या हो जाएगा? कॉस जीरो, कॉस जीरो मतलब प्लस, तो आंसर आएगा प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर। यानी कि स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव आता है, लेकिन उसी स्प्रिंग को जब रिलीज करते हैं, जब वो वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आता है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होता है? पॉजिटिव। तो होता क्या ना बेटा, कभी कभी इस एक्सप्रेशन से बच्चे के दिमाग में एक नोशन बन जाता है कि भाई वर्क डन बाय द स्प्रिंग मतलब हमेशा नेगेटिव। ना, वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, करेक्ट। तो अगर आप एक स्प्रिंग को खींचते हो या कंप्रेस करते हो फ्रॉम नेचुरल लेंथ, करेक्ट, तो फिर वर्क डन नेगेटिव आता है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना नोट बना के, ये बहुत काम का पॉइंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर किसी स्प्रिंग को नेचुरल से खींचते हो या उसको नेचुरल से कंप्रेस करते हो तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव आता है, लेकिन अगर खींची हुई इलोंगेटेड स्प्रिंग को छोड़ देते हो तो उसमें वर्क डन पॉजिटिव, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग को छोड़ देते हो तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग पॉजिटिव। यानी कि अगर इलोंगेट करोगे कंप्रेस करोगे तो वर्क डन नेगेटिव, इलोंगेटेड को छोड़ दोगे या कंप्रेस को छोड़ दोगे तो फिर वर्क डन बाय द स्प्रिंग पॉजिटिव। आई होप दिस इज क्लियर। उसी तरह इसका मतलब ये बात समझ आ गई ना कि ये दोनों कर सकता है। यहां पे जो वर्क डन है बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब जब अरे अभी नहीं भैया कैंसिल। पॉजिटिव तब होगा, 10 बार बता चुका हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव तब होगा, बताओ कब होगा? मैंने सर पॉजिटिव तब होगा जब इलोंगेटेड स्प्रिंग को छोड़ दोगे या कंप्रेस स्प्रिंग को छोड़ दोगे, और अगर इलोंगेट या कंप्रेस करोगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर कभी कोई बोलते नहीं मुझे एक्सटर्नल का वर्क डन बताना है, तो बेटा स्प्रिंग का उल्टा, समझ गया बात को, एग्जैक्टली उल्टा। यानी कि इस केस में ये प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाता, दूसरे केस में कुछ और हो जाएगा, करेक्ट। तो आई होप मेरी कुछ कुछ बातें आपको समझ आ रही होंगी बेटा रिलेटेड टू दिस वर्क डन बाय द स्प्रिंग। इसीलिए मैंने इसे एज एन एग्जांपल ले लिया, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, राइट। तो प्लीज आज के लेक्चर को थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना, दिस इज ओनली द बेसिक्स ऑफ वर्क पार्ट, जिस सिर्फ खाली बेसिक इंट्रो पार्ट था, करेक्ट। अगली क्लास से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इसको हमने 3 ही पार्ट में बांटा है। आज बेसिक्स कवर करा दिया, वर्क डन कैसे निकालते हैं, कॉन्स्टेंट फोर्स का कैसे निकालते हैं, वेरिएबल फोर्स का कैसे निकालते हैं। अगली क्लास में मैं सीधे सीधे लेके आऊंगा एनर्जीज। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, और उसके एग्जांपल्स, उस पार्ट को खत्म कर देंगे। और लास्ट क्लास में उठाएंगे बेटा पावर और कोलिजंस, दैट्स इट। इसके अलावा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक अलग से पार्ट बनाऊंगा हाफ एन आवर का, जिसके अंदर पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अच्छी अच्छी ट्रिक से सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका पूरा वर्क पार्टी खत्म। यू अंडरस्टूड? तो हार्डली 3.5 आवर्स ऑफ क्लास एंड कंप्लीट WPE डन, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, राइट। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर बेटा, एंड आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ यूजफुल रहा होगा, ठीक है। आई नो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, बट स्टिल यू विल हैव टू हैंग ऑन इट, बिकॉज एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। सो विद दिस आई टेक बाय, एंड बेटा प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट, एंड यू डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक, इफ यू फील लाइक हाँ नहीं थोड़ा थोड़ा अच्छा चल रहा है, कुछ फायदे की चीजें देखने को मिल रही है, तो प्लीज करो। और इसके अलावा बेटा हमने एक प्लानर शेयर किया था, राइट, दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन द लास्ट 70 days, राइट। डू फॉलो इट वेरी रिग्रेसली एंड रिलीजियसली प्लीज। दैट्स ऑल आई वुड से, थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा।